में मैं वोट पथ पे मौजूद हूं हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से इस बार पांचवी बार किस्मत आजमा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है जी, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी। राहुल जी खटाखट गरीबी, फटाफट गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये जो जादू है ना राहुल जी का जी। उनको बोलिए हिमाचल में भी दो भाई। मतलब मुस्लिम फैक्टर चुनाव में लाना जरूरी था। जिहाद कांग्रेस लाई, राम मंदिर पे बुलडोजर कांग्रेस लाई। आईपीएल को फॉलो कर पा रहे या नहीं कर पा रहे? आईपीएल में भी चौके छक्कों का रिकॉर्ड लग रहा है और हिमाचल भी चौके छक्के लगाएगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं वोट पथ पे मौजूद हूं हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से इस बार पांचवी बार किस्मत आजमा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। क्या इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आएगी या फिर जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी की विदाई तय है? क्या इस बार लोअर वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाला है या फिर कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है? तमाम सवालों के जवाब है तो वोट पथ में आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में, और हम मौजूद हैं इस समय माता चिंतपूर्णी के दरबार में। कहते हैं ये सबकी चिंता हरती है और सब पे कृपा करती है, तो इस लोकसभा चुनाव में किसकी चिंता हरी जाएगी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज हम हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और माता चिंतपूर्णी के दर्शन करके आ रहे हैं और अब हम चलेंगे अनुराग ठाकुर के पास। और आज के वोट पथ पे हम मौजूद हैं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर और इस समय हम चिंतपूर्णी मंदिर से पहुंच चुके हैं डाडा सीबा, और अनुराग ठाकुर से यहां पर कुछ सवाल जवाब होंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी वाली ऊंचाई से 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा नजर आता है। हम मौजूद हैं आज हमीरपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट पथ के अंदर और माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद हम डाडा सीबा में हैं। मैं आपके पास आता हूं अनुराग जी, आपका अभिनंदन है। वैसे तो आपको देख के लग रहा होगा कहीं समुद्र किनारे आ गए, लेकिन बिल्कुल पहली बार तो हमने जब इस जगह को देखा तो यही लगा। तो ऊंचाई से भी यही नजर आता है कि हर जगह हर कोने में देखोगे, देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है जी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी आपको लग रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे ने तो महाराष्ट्र बोला कि अब मैं नरेंद्र मोदी को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री बोला करूंगा। ऐसी इच्छाएं बहुत सारे लोगों ने बहुत समय से पाल रखी है जी, और एक अनार सौ बीमार, ये विपक्ष की हालत है जी, और वो बिन पानी जैसे मछली तड़पती वैसे तड़प रहे हैं सत्ता के लिए कि हम सत्ता में आए। और अखिलेश जी का बयान सुनो, बाकियों के बयान सुनो, सब ये कहते हैं जी कि एक एक साल के लिए सबकी बारी आ जाएगी जी। तो मुझे पहले पता करना है कि इन्होंने अपने पांच प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन चुन रखे हैं जी। तो राहुल जी खटाखट गरीबी, फटाफट गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये जो जादू है ना राहुल जी का जी, उनको बोलिए हिमाचल में भी दो भाई। 15-16 महीने पहले कांग्रेस ने कहा कि 1500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को मिलेंगे जी, अमित जी 16 महीने बीत गए, 16 महीनों में महिलाओं को 1500 रुपए महीना नहीं मिला। कांग्रेस ही कह रहे हमारी सरकार ही नहीं चलने दे रही, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हमारे विधायक तोड़ दिए। मैं आपसे पूछता हूँ जी, 16 महीने से किसने रोका था?
ये तो 15 महीनों के बाद विधायक टूट कर आए, जब जनता पूछती थी अरे भैया कहाँ 1500 रुपए, और जनता कर दिया उनको, और जनता पूछती थी कहाँ आपका 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध क्यों नहीं खरीदा। अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पे जो एक घटना घटी है उस विषय को लेकर बहुत जबरदस्त राजनीति हो रही है। देखिए संदेश खली की घटना हुई, कांग्रेस भी चुप रही, आम आदमी भी चुप रहा जी, महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं बोले। दूसरा, मुख्यमंत्री के घर पे एक राज्यसभा की महिला सांसद के साथ जो अत्याचार किया जाता है जी, लात घूसे मारे जाते हैं, अपमान किया जाता है, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री अपने उसी अधिकारी को अपनी गाड़ी में बिठा के अगले कई दिन तक चलाता है, ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि महिलाओं का सम्मान इन राजनीतिक दलों में नहीं है। कांग्रेस में कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन इस मुद्दे पर बोल नहीं सकती। लेकिन क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई? आम आदमी पार्टी कह रही है कि बेल मिलने से बीजेपी परेशान हो गई, इंटरिम बेल ही है बेशक, वो उनको 2 जून को सरेंडर करना है। देखिए मैं दो बातें कहूँ जी को, अरविंद केजरीवाल जी जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में, लगातार जेल में रहे, कोर्ट ने केवल उनको प्रचार करने के लिए अवसर दिया। दूसरा मैं आपको कहूँ, इनके अपने उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, जेल मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में है। ये ऐसी पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई पाई जा रही है, नेता जेल में पाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत तो कंडीशनल है जी, क्या अरविंद केजरीवाल जी जो आपको लगता है शराब घोटाले में जेल में गए जी, उनका एक नहीं अनेक ऐसे घोटालों के आरोप है, शीश महल से लेके दिल्ली जल बोर्ड ये सब दिखता है जी। मैं हमेशा आपसे पूछना चाहता हूँ जी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी इनको घूस खानी जरूरी थी? दिल्ली की जनता अपने आप को कितना दुर्भाग्य है उनका, कितना ठगा हुआ महसूस करती है। मैं हमीरपुर पे भी आऊंगा, अगर हमीरपुर आना तो चलिए पानी के नजदीक भी चलते हैं जी जी जी। चलिए हमीरपुर की हम बात कर रहे हैं, हम पानी के करीब आ ही गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं अभी पूरा आपका आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी घूमते हुए आ रहा था, आपने यहां पर एक अपने सांसद निधि के साथ जो काम करा है वो तो करा ही है, लेकिन एक आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पॉलिटिकल पर्सनल टच भी दिया है, सिर्फ पॉलिटिकल टच नहीं है पर्सनल टच भी है, ये क्या है? और आते हुए हमने वंदे भारत ट्रेन भी देखी जाते हुए। जब देश में कहीं बड़े शहरों में नहीं चल पाई थी जी, उससे पहले मोदी जी ने चौथी वंदे भारत देश की ऊना से दिल्ली के लिए चलाई। बहुत सारी ट्रेनें वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, महाकाल लोक, खाटू श्याम से लेकर कलकत्ता से नांदेड़ साहब, बहुत सारी ट्रेन मोदी जी ने हमें दी है, मैं उनका आभारी हूँ। रेलवे लाइनें भी हमें जिला बिलासपुर के लिए ऊना के लिए, आप भी केंद्रीय मंत्री थे तो आपका भी प्रभाव रहता होगा। देखिए मिलती तो मोदी जी के आशीर्वाद से है, उनकी कृपा दृष्टि से सब मिला, क्योंकि मेरे एक लोकसभा क्षेत्र में एम्स भी है, पीजीआई का एक्सटेंशन सेंटर 500 करोड़ रुपए का भी है, और 2 मेडिकल कॉलेज भी हैं, एनआईटी भी है, IIIT भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, कई केंद्रीय विद्यालय 12 के लगभग हैं। आपको इन पत्थरों पर चलने की आदत है, हमारे लिए नए है ये, और अब हम आपकी अब बार बार हिमाचल आइए, खूबसूरत हिमाचल को देखिए, बहुत सुंदर है प्रदेश। तो चलिए अब हम आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चलेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आप प्रचार कैसे करते हैं। तो आज के वोट पथ में हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पगडंडियों में हम चल रहे हैं, और यहां पर मैं जगह जगह देख रहा हूं कांग्रेस का वो जो नारा था 1500 रुपए हर महीने हम महिलाओं को देंगे, लड़कियों को देंगे, अब वो नारा भी मतलब उसकी जो पेंटिंग है वो धुंधली पड़ने लग गई है, मतलब अब उसके ऊपर बारिश आ गई है, हवा आ गई है, लेकिन कांग्रेस दोबारा फॉर्म भरवा रही है। ये 1500 रुपए का वायदा बहुत भारी कांग्रेस पे पड़ रहा है, महिलाएं बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है, क्योंकि 16 महीने में 16 महिलाओं को भी 1500 रुपए नहीं मिला। आप यहाँ किसी सभा में किसी गली में जाके पूछो कहाँ गया 1500 रुपया, और तो और किसान कहते हैं 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना, तो भाई कहाँ गया? महिलाएं नाराज, किसान नाराज, युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरियां थी वो भी नाराज, उनको भी नहीं मिली।
फिर बागवानों को कहा था आपको मुंह मांगे दांग देंगे, वो भी नहीं मिले। अब समस्या ये आकर खड़ी हो गई कि आगे होगा तो होगा क्या। जी चलिए, आपकी रैली आ गई है, चलते 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 बात करेंगे। अच्छा एक चीज सवाल में पूछा जा रहा हूँ, ये सब नारे लगा रहे हैं आपके समर्थक, आपके आपके समर्थक सब, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सब लोग नारे लगा रहे हैं कि अब की बार 400 बार, ये 400 बार वाकई हो रहा है या सिर्फ नारा था? और हम इस समय मौजूद हैं जसवां परागपुर विधानसभा में। अनुराग ठाकुर यहां पर जनसभा को संबोधित करने आए हैं, शाम का वक्त है और यहां पर जय श्री राम के का उद्घोष है, नारे हैं और बीजेपी 400 पार जाएगी उसकी बात है, साथ ही साथ मोदी के काम की बात है, नरेंद्र मोदी फैक्टर है और साथ ही साथ यहां पर एक और बात है हिमाचल में, वो है कि कांग्रेस की सरकार ने कितना काम किया है, वो सरकार कितनी नाकाम रही है, यहां के लोकल लीडर्स हो या अनुराग ठाकुर हो, सभी ये बात कहते हैं और एक बार नहीं बार बार कहते हैं। पहाड़ों में शाम जल्दी हो जाती है और कैंपेन जो है वो बड़ा बहुत लंबा कैंपेन चलता है, और अनुराग जी आपका तो चुनाव भी आखिर में है तो बहुत लंबा कैंपेन चला है, तो मुश्किल लग रहा है या आनंद आ रहा है? देखिए, अपनी जनता के बीच में जाके बहुत आनंद आता है। ये शाम के लगभग 8 बजे आपको जो उत्साह पहाड़ों में दिख रहा है, जोश दिख रहा है, इनके घर यहाँ से बहुत दूर दूर हैं, किसी को पहाड़ चढ़ के जाना है, किसी को उतर के जाना है, सबको किसी को 1 घंटा लगेगा, किसी को 2 घंटे, किसी को किश्ती पकड़ के जाना है, लेकिन ये नहीं इतनी दूर से नहीं आए, इनके घर आसपास है जी। लेकिन यहाँ आसपास मतलब एक पहाड़ की चोटी पे है तो एक कहीं नीचे है, कोई नदी पकड़ के किश्ती पकड़ के दूसरी ओर जाएगा, ऐसा भी हालत है। लेकिन ये जोश दिखाता है कि जनता के मन में मोदी जी के लिए कितना प्रेम है। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव भगवान राम पर है? आप पाकिस्तान की भी बीच में बात करते हैं अपने चुनावी प्रचार में, भाषणों में। देखिए, हमें मौका देती है कांग्रेस, वो कहती है पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और दूसरी उनको इज्जत दो और अपने परमाणु हथियार खत्म करने की बात करती है, तो हम अपनी सेना को कमजोर कैसे कर दें, पहली बात तो ये। दूसरा वो कहते हैं राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं, राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे, अब ये कौन हिंदू स्वीकार करेगा? अब कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुछ भी करें, लेकिन जो यहाँ हिंदू हैं या देश भर के हिंदू हैं वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या मतलब मुस्लिम फैक्टर चुनाव में लाना जरूरी था? गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों आपके बड़े नेता हैं। देखिए, हम नहीं ला रहे, कांग्रेस ला रही है जी, और जब जब कांग्रेस लाएगी हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ना लाए, कांग्रेस ऐसी बातें ना करे, जिहाद कांग्रेस लाए, राम मंदिर पे बुलडोजर कांग्रेस लाए, तो आप मुझे क्या कहते हो? कांग्रेस जो मर्जी लाए और हम जवाब भी ना। अखिलेश जी से हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा वोट जिहाद के मामले में, उन्होंने बोला ये ज्यादा वोट देने की अपील थी, अब इसको बीजेपी ने दूसरी तरह से पकड़ लिया, अखिलेश जी ने ये कहा। अच्छा चलो, तो फिर उनका जो पाकिस्तान की तरफ से जिहाद की बात आती है, देश में लव जिहाद की बात आती है, अब वोट जिहाद की बात आती है, तो अखिलेश जी ने तो ये भी कहा कि हाँ हर साल एक प्रधानमंत्री हो सकता है, तो आप मुझे बताओ। चलिए बिल्कुल आखिरी राउंड में है हम, और आप एक सवाल मेरा, बड़ी सारी राजनीति की बात हो गई, तो आप चाय वाले नेता हैं या कॉफी वाले नेता हैं? हम तो है ही चाय वाले जी, जब प्रधानमंत्री हमारे वो हैं। कॉफी पीते भी होंगे तो बोल नहीं पाएंगे आप? नहीं, इसका मतलब थोड़ी कि कॉफी पीनी नहीं जी, हम ये कह रहे हैं कि हम सामान्य जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी, हमको इस बात का बुरा नहीं लगता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबी देखकर आए, चाय बेच के अपने परिवार का पालन पोषण की। अच्छा, चाय कड़क पीते हैं कि हम काम भी कड़क करते हैं, चाय भी कड़क पीते हैं, भी कड़क पीते हैं। चलिए, अब मैं एक-एक करके कई नेताओं के आपसे नाम लूंगा और फिर उस पर आपकी राय जानूंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक लाइन में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत संवेदनशील, गरीबों के मसीहा और भारत के लिए एक वरदान है, जो भारत को, भारत के लिए पल पल जीते हैं और भारत के लिए समर्पित हैं,
उनके मन में जो गरीब के लिए, जनता के लिए जो समर्पण भाव है, जो संवेदनशीलता है, वो फैक्टर मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का बहुत चैनल दिखा नहीं पाते। उनके मन में दर्द जो है ना गरीब के लिए, वो आप समझ ही नहीं सकते शायद कभी। उनकी एक एक योजना इस देश के गरीब और जरूरतमंद और देशवासियों के लिए है। वो एक एक व्यक्ति की जिंदगी के लिए कुछ भी कर देते हैं। देखिए, हमारे 7 नौसेना के जवान अधिकारी अगर कतर में फांसी की सजा हुई तो उनको वापस कौन लाए? मोदी लाए। एक बात मुझे याद आती है, 2013 में मेरी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के कैंडिडेट बन गए थे। आपने बोला था कि अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश बदल देगा, अमीश देवगन तुम देख लेना। और वाकई आपने उसके बाद हमने देखा बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अब अगले नेता का नाम जो है वो आपके हॉट फेवरेट है और उनके बारे में आप बात करना पसंद भी करते हैं, राहुल गांधी जी। ये कहां जा रहे हैं? अमेठी से और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से भी लड़ रहे हैं। उनकी बहन कह रही है कि आने वाले प्रधानमंत्री हैं। देखिए, परिवार के लोग तो ऐसी कल्पना 2004 से कर रहे हैं, 2024 आ गया, 20 साल में कई बार लॉन्च कर दिया, कई बार फेलियर हो गया, अब कितनी लॉन्च इसके बाद और होगी जी। ये तो वैसे वायनाड में कह के आए थे कि मैं वहीं पे परमानेंट सांसद रहूंगा, तो रायबरेली में क्या? रायबरेली उनकी पारिवारिक सीट है। अच्छा, तो जनता तय करती है कि परिवार तय करता है? अब तो उनकी माता जी ने तय करा कि वो लड़ेंगे वहां। देखिए, यही लोकतंत्र का अपमान है, जब जनता को तय अपना करने दो और परिवार तय करे तो यही जनता की बात जी। मेरा एक और नेता है, उनका नाम है दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो जेल में थे भ्रष्टाचार के चलते, आजकल बेल पे हैं जी, कंडीशनल बेल पे हैं थोड़े दिनों के लिए और 2 तारीख को फिर जेल जाने वाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अब खुद भ्रष्टाचार में पाए जा रहे हैं। और इस समय हम एक प्राचीन राधा कृष्ण के मंदिर में हैं और वहां पर दर्शन करके निकले हैं। मेरे साथ अनुराग जी हैं। अनुराग जी, कितना पुराना मंदिर है ये? ये 1836 में उस समय के राजाओं ने बनाया और डाडा सिब्बा में है यहाँ पे मंदिर। और इसके अंदर की पेंटिंग देखिए, मूर्ति को देखिए और आप यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स को देखिए, आपके पूरे दिन की थकावट एक मिनट में उतर गई। और कृष्ण जी के दर्शन करते, राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद जब मिलता है जी, तो मुझे लगता है सबके चेहरे देखो कितने खेल के। हमने अपनी कैंपेन की शुरुआत मैंने मतलब क्योंकि जब हम आए तो चिंतपूर्णी माता को माथा टेका, और जब हम समापन कर रहे हैं अपने कार्यक्रम का तो हम मौजूद हैं भगवान कृष्ण और राधा जी के उस मंदिर में जो 18वीं शताब्दी का है। तो सोचिए ये कितनी अपने आप में अनोखी बात है। मैंने बड़े सारे कैंपेन ट्रेल करे इस दौर के अंदर वोट पथ पे, लेकिन ऐसा अनोखा कैंपेन मैंने नहीं करा, और वो भी अचानक हुआ। अचानक हुआ, इसलिए तो कहते हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस मंदिर के दर्शन कराए, इसके लिए विशेष शुक्रिया। आपका भी बहुत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वोट पथ में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब क्योंकि भगवान कृष्ण के मंदिर में खड़े हैं तो राधे राधे बोलना पड़ेगा भाई। नमस्कार। राधे राधे।